वो हमारी भारत की मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े हैं और वो हम सबका मान सम्मान हमारा गौरव है और हमारी सेना हमारा उस पर इतना फख्र हम लोगों को है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो उस पर अगर राजनीति अगर होती है कोई भी वो कर रहा हो मैं उसको गलत मानता हूँ। जहाँ तक वीरांगनाओं का बात है, मैंने कल भी कहा था कि उनकी मांगों को सुनकर शांति से इत्मीनान से उनको संतोषजनक जवाब देने की हमें कोशिश करनी चाहिए थी। जो काम हम कर सकते हैं वो करने चाहिए थे, जो काम नहीं भी कर सकते हैं तो उनकी बात को सुनकर उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने देखा है कि क्योंकि ये मामला भारत सरकार के गृह मंत्रालय रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, वहाँ से कोई अभी ऐसा कोई जवाब या कोई सोल्यूशन का रास्ता दिखा नहीं है। लेकिन इस पर अगर राजनीति हो रही है तो मैं इसको गलत मानता हूँ, क्योंकि हम राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन वीरांगनाओं को लेकर राजनीति अगर होती है तो मैं उसको बहुत गलत मानता हूँ। एक बड़ा गलत संदेश प्रदेश और देश में जाएगा, क्योंकि मत भूलिए जो वीरांगनाएं हैं उनके परिवारों के साथ आज भी जो लोग फौज में काम कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि उनको 1% भी कहीं इस बात का एहसास लगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। तो मैं तो सैनिकों की शहादत के साथ नमन करता हूं और सलाम करता हूं और मैं तो कहता हूं हमें आउट ऑफ वे जाके और करना चाहिए। बात अगर एक नौकरी की है या दो नौकरी के बहुत बड़ा मसला नहीं है, इसमें नियम संशोधन पहले भी हुए आगे भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें राजनीति करना और इसमें इस प्रकार से जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उसको मैं गलत मानता हूँ। सर सोनिया गांधी और राहुल, और मुझे खुशी है कि ज़्यादातर मांगे जो अब आ रही हैं गांवों से वो स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आ रही हैं। कोई स्कूल क्रमित करना चाहते हैं, कई स्कूलों के कमरों में वृद्धि करना चाहते हैं, चार दीवारी है, खेल के मैदान है। मुझे खुशी है कि संसाधन हम शिक्षा में लगा रहे हैं और चिकित्सा में लगा रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि गाँव में पढ़ने वाले बच्चे उनको ऐसे संसाधन हम उपलब्ध कराएँ ताकि वो कंपटीशन में बैठ सकें और देश में प्रदेश में जो परीक्षाएं होती हैं उनमें बैठकर वो सफल तब होंगे जब वो अच्छी शिक्षा वो प्राइमरी स्कूल से पा सकेंगे। मुझे खुशी है कि लोग मांग करते हैं कि विषय लगाओ अच्छे, मास्टर अच्छे लगाओ, तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छी जागरूकता लोगों में फैली है। और मैं जहाँ तक मेरा विधायक कोष है या सरकार का पैसा है, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि शिक्षा के लिए 2 दिनों के इस दौरे में शहर और गांव सब जगह जाके लोगों से मुलाकात हमने करी है। और मैंने आज सुबह मीटिंग ली अधिकारियों की और मैंने कहा कि जो निर्माण के काम हैं नालियों के, सड़कों के, गांव में, शहर में, उन सब कामों में तेज़ी लानी चाहिए, क्योंकि 2 महीने बाद बारिश का समय आ जाएगा और फिर निर्माण तेज़ी नहीं हो पाएगा। तो मुझे खुशी है कि पूरे विभाग के लोग, सब लोग सड़कों का जो भी हम लोगों ने काम सैंक्शन किए थे वो दुगनी गति से काम कराएंगे। और पीने के पानी के लिए मैंने कहा अधिकारियों से भी कि अभी तो कम गर्मियां हैं लेकिन एक कंटिजेंसी प्लान बनाना पड़ेगा ड्रिंकिंग वाटर के लिए शहर और गांव के अंदर, अभी से वो मैप तैयार कर लें, क्योंकि जब गर्मी का महीना आता है तो एकदम से बहुत हाहाकार मचता है जब पीने के पानी की व्यवस्था हम नहीं कर पाते हैं। तो जो भी हमको प्लानिंग करनी है, बजट एलोकेशन करना है, रोड मैप बनाना है अगले गर्मियों के 2 महीनों के लिए, वो तैयारी अभी से कर लें ताकि लोगों को समय रहते उसकी राहत मिल सके। तो सब अधिकारी आज मौजूद थे, उनको मैंने निर्देशित किया है कि टोंक शहर में और गाँव के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था को कायम करें। वो हमारी भारत की मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़े हैं और वो हम सबका मान सम्मान हमारा गौरव है और हमारी सेना हमारा उस पर इतना फख्र हम लोगों को है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो उस पर अगर राजनीति अगर होती है कोई भी वो कर रहा हो मैं उसको गलत मानता हूँ। जहाँ तक वीरांगनाओं का बात है, मैंने कल भी कहा था कि उनकी मांगों को सुनकर शांति से इत्मीनान से उनको संतोषजनक जवाब देने की हमें कोशिश करनी चाहिए थी। जो काम हम कर सकते हैं वो करने चाहिए थे, जो काम नहीं भी कर सकते हैं तो उनकी बात को सुनकर उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने देखा है कि क्योंकि ये मामला भारत सरकार के गृह मंत्रालय रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, वहाँ से कोई अभी ऐसा कोई जवाब या कोई सोल्यूशन का रास्ता दिखा नहीं है। लेकिन इस पर अगर राजनीति हो रही है तो मैं इसको गलत मानता हूँ, क्योंकि हम राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन वीरांगनाओं को लेकर राजनीति अगर होती है तो मैं उसको बहुत गलत मानता हूँ। एक बड़ा गलत संदेश प्रदेश और देश में जाएगा, क्योंकि मत भूलिए जो वीरांगनाएं हैं उनके परिवारों के साथ आज भी जो लोग फौज में काम कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि उनको 1% भी कहीं इस बात का एहसास लगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। तो मैं तो सैनिकों की शहादत के साथ नमन करता हूं और सलाम करता हूं और मैं तो कहता हूं हमें आउट ऑफ वे जाके और करना चाहिए। बात अगर एक नौकरी की है या दो नौकरी के बहुत बड़ा मसला नहीं है, इसमें नियम संशोधन पहले भी हुए आगे भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें राजनीति करना और इसमें इस प्रकार से जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उसको मैं गलत मानता हूँ। सर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राजस्थान के लिए फैसला लेने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को अधिकृत कर दिया कि वो फैसला लें, क्या लगता है कितने जल्दी फैसले आने चाहिए जैसे कि पार्टी मजबूती मिले?
आपकी बात हुई उनसे, बताया आपको? जी आया है समाचारों में, मैं तो पढ़ा नहीं ऐसा कुछ सर। आप ही ने दिया होगा सर, सर दो दिन से आप जिले के दौरे पे हो अपने विधानसभा, इन्होंने खबर दी है ना सैटेलाइट से, विधानसभा की दौरे पे हो, इसमें जो आपके भाषण लगे तो मुझे ऐसा लगा कि ये चुनावी संकनाद कर दिया आपने। भाई हम तो चुनाव के लिए पाँचों साल 24 घंटे तैयार रहते हैं, जनता का जब चाहे हमारा टेस्ट ले लो, वोट डलवा लो, लेकिन चुनाव आते 5 साल में ही हैं। लेकिन मेरी सक्रियता हो चाहे हमारे विकास के काम हो, आपने देखा होगा वो लगातार उसी कांस्टेंट स्पीड पर चलते हैं। लेकिन क्योंकि जैसा आप जानते हो 9-10 महीने में चुनाव भी हैं, तो चुनाव में तो हम लोगों को जनता को जागरूक करना है, कार्यकर्ताओं को उसमें ऊर्जा भरनी है, वो हम काम 24 घंटे करते हैं, और ये राजनीति में सुस्ताने का समय नहीं मिलता है, इसलिए हमेशा काम करते रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। और लोग भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग और ज़्यादा उनसे मिलें, और जो क्षेत्र में हम लोगों ने वादे किए, प्रदेश में जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का, तो हम लोगों ने कुछ वादे किए थे लोगों से, खासकर नौजवानों से, उन वादों को हम कैसे पूरा कर सकें इस दिशा में।